प्याज, ये है आलू, ये है टमाटर और इन तीनों की कीमत आज 80 रुपए किलो हो चुकी है भारत देश में। चाहे आप पेट्रोल लीजिए, चाहे डीजल लीजिए, सबकी कीमत 80 रुपए। लेकिन इस महंगाई के दर से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता अंबानी अडानी जैसे लोगों को। उन जैसे लोगों को तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी सरकारी संपत्तियां दे देते हैं। हजारों लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी तो उनके पास ऑलरेडी है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं अंधभक्तों से कि जिस दलाल पत्रकार अर्णब गोस्वामी के गिरफ्तार होने से भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के तमाम सांसद विधायकों ने आवाज उठा दी कि ये गलत हुआ है, एक पत्रकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मैं पूछना चाहती हूं अंधभक्तों से कि आई सपोर्ट अर्णब गोस्वामी का ट्रेंड करके आपको क्या लगता है कि आपके घरों में आलू प्याज टमाटर मुफ्त में मिल जाएंगे? कभी नहीं। जिस पत्रकार ने कभी भी महंगाई के लिए आवाज नहीं उठाई कि महंगाई दर कितनी बढ़ती जा रही है भाजपा राज्य में, उस पत्रकार के लिए स्मृति ईरानी ने सपोर्ट करते हुए ट्वीट कर दिया। लेकिन महंगाई के लिए अभी तक जब से वो सांसद बनी है, जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से एक लफ्ज नहीं बोला है। क्यों? 5 रुपए प्याज का दाम बढ़ते ही जो स्मृति ईरानी आंदोलन करने पे मजबूर हो जाती थी, सड़कों पे उतर जाती थी, आज वो स्मृति ईरानी या भाजपा के कोई भी विधायक या सांसद जनता के सपोर्ट में आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके घरों में महंगाई का असर नहीं पड़ रहा है, शायद इसलिए। आम जनता के घरों में क्या हो रहा है ये सिर्फ आम जनता जान सकती है। अगर आप 5,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो 80 रुपए किलो आलू, 80 रुपए किलो प्याज, 80 रुपए किलो टमाटर खरीदने में ही एक दिन का 240 रुपए लग जाता है अगर आपके घर में 6-7 लोगों का परिवार है। तो 240 × 30 करेंगे अगर पूरे महीने का, तो लगभग 7,000 रुपए महीना आप सिर्फ आलू प्याज टमाटर में दे देते हैं। इसमें ना ही सिलेंडर एडेड है, ना ही दूध एडेड है, ना ही पेट्रोल डीजल दाल चावल कुछ भी एडेड नहीं है। तो लगभग 7,000 रुपए महीना सिर्फ सब्जी में चला जाएगा, वो भी मामूली सब्जियां, ना ही इसमें कोई हरी सब्जी एडेड है। तो इस महंगाई का असर सिर्फ और सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पे हुआ है। तो उन जैसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी जैसे लोगों से मतलब नहीं है। उन्हें चाहिए उनके घरों में चूल्हा जले, उनका परिवार खा पी सके। लेकिन इस भाजपा की सरकार ने उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया है।